हुदैबिया पेपर मिल का केस है, शरीफ खानदान को एक बहुत बड़ी छूट मिली है। नवाज शरीफ पे अभी बड़ा नरम हाथ रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। फौजदारी मुकदमे में छूट नहीं होती, फौजदारी मुकदमा जायदुल मियाद भी नहीं होता। अगर कोई कत्ल करे तो वो 20 साल बाद भी पकड़ा जाए तो वो ये नहीं कह सकता 20 साल गुजर गए हैं। 20 साल बाद कातिल पकड़ा जाए वो ये नहीं रोना दो सकता कि मुझे क्यों पकड़ा, मुझे क्यों पकड़ा, और मियाँ साहब ये रोना रोते रहे मुझे क्यों निकाला। ये फ्रॉड का मुकदमा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, फौजदारी मुकदमा है। तो ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट का भी गलत था। मुझे नहीं समझ आती सुप्रीम कोर्ट में किस तरह इसको जस्टिफाई किया जाएगा। तारीखी एतबार से शरीफ खानदान पे नरम हाथ ही रखा। शरीफ खानदान ने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पे, कोई मुकदमा नहीं चला, अदालतें नरम रही हैं शरीफ खानदान पे, और नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था वो भी नरम फैसला था। मियाँ साहब कहते हैं पनामा और अकामा, अकामा तो बहुत सीरियस बड़ा संगीन जुर्म है। आप वजीर आजम पाकिस्तान के हो और मुलाजमत आप किसी दूसरी कंपनी की करते हो, और अकामे रखे हुए क्यों, वजीर खजाना ने क्यों रखे, वजीर दाखला ने क्यों रखे, क्योंकि इनसे ये बैंक अकाउंट, सीक्रेट बैंक अकाउंट बाहर खोलते हैं। बाबे रहमत, वो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साकिब निजार साहब ज़्यादा ही कोई फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्से में आ गए, पर बाबे रहमत ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई होती है। यहाँ क्रेडिबिलिटी अदालतों की इसलिए कम हुई है क्योंकि अदालतों ने मार्शल लॉ पे मोर लगा दी थी आईनी होने की।